सब्सक्राइब कीजिए स्पेशल टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपका स्पेशल टेक्निकल गुरुजी और मेरे साथ है सुधीर यादव जी। जैसा कि आप जानते हैं सुधीर जी, कि आजकल दिल्ली का मौसम इतना पॉल्यूशन हो गया, हम न्यूज में आए दिन सुनते रहते हैं। आपका क्या इस पर व्यूज है? क्या एक एक मिनिमम लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, एक जो छोटे बच्चे हैं या फिर घर के एक फैमिली मेंबर है, उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या सलाह लेनी चाहिए, क्या इसके बारे में आपका कहना है, क्या कहना? पहले तो मैं स्पेशल टेक्निकल गुरु जी के सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा और आपकी सेहत के लिए शुभकामनाएं करूंगा। आजकल मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं निकलना दुश्वार हो चुका है। इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, गले में खराश हो रही है, आँखों में जलन हो रही है। बताया जा रहा है कि जितना होना चाहिए एनवायरनमेंट उससे 10 गुना ज़्यादा ख़राब है। तो निकलना तो मतलब ये है कि बाहर निकले ही मत, और घर में आदमी पड़े पड़े परेशान हो जाता है। अब ये समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि एक्चुअली देखिए, गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वो तो ले रही है। हमारा जो कॉन्सेप्ट इस न्यूज़ का बनाने का लॉजिक ये है कि आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, आपका एक बेसिक सुझाव क्या हो सकती है, आप अपने अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। सर एक बताइए कि फर्स्ट स्टेप क्या प्रिकॉशंस लिया, कोई सेफ्टी, कोई मास्क वगैरह पहनना जरूरी है या फिर घर में कुछ प्लांट वगैरह लगाया जाए, कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी राय में एक तो घर के आसपास हमें प्लांट्स लगाने चाहिए और मास्क लगा के निकलना चाहिए जब हम अपनी बाइक से निकलते हैं या पैदल घूमने निकलते हैं। पहली बात तो ये कि डॉक्टरों ने इमरजेंसी घोषित कर दिया है दिल्ली के मेडिकल एसोसिएशन ने कि बाहर निकलिए मत, और निकलना है तो मास्क लेके घूम निकलिए, गुड़ खाइए, उससे आपका पॉल्यूशन कम असर करेगा आपके शरीर पर, पानी ज़्यादा पीजिए। तो ऐसा भी है कि मैं काफ़ी लोगों से सुन रहा था कि नहीं कुछ घर में प्लांट वगैरह, मिनी प्लांट लगाएं, क्या इससे कुछ आपको लगता है कि पॉल्यूशन लेवल डिक्रीज होगा, घर का एनवायरनमेंट कुछ बनेगा? अब जितने घर है उसी हिसाब से हर घर अगर 5-5 प्लांट्स लगा ले तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, इसलिए ये तो हमें करना ही चाहिए। साथ में डॉक्टर्स कहते हैं खट्टे फल खाइए, गुड़ खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, बाहर कम से कम निकलिए अगर मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा और हमारी भी राय इनका ही है, सुधीर यादव जी ने बिल्कुल ही करेक्ट बताया है कि आप आपका जरूरी काम है उसके बारे में आप जाइए। और मैं देख रहा हूँ, मैं वहाँ से कुछ 3 लोग देख रहे हैं, उनसे भी हमें राय लेनी चाहिए। बिल्कुल, हम ऑडियंस के पास, हमारा दिल्ली का यही कॉन्सेप्ट है कि आप बेसिक ग्राउंड पर जाकर इस चीज़ों को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि एक्चुअली दिल्ली के पार्कों का क्या हाल है। दिल्ली का हम एक पार्क में खड़े हैं और यहाँ के जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूरी जानकारी लेना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है ग्राउंड लेवल पर, क्या वो सोचते हैं और कि इसमें क्या है वो, क्या उनका व्यूज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, दिल्ली के पार्क में बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एक लगभग 1 हफ्ते बाद सूरज निकला है, प्रदूषण लेवल बहुत ही कम है आज, और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब काफी दिनों बाद। अच्छा सर, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, सर आप ये बताइए कि हम काफी दिनों से न्यूज में काफी चीज सुन रहे हैं, प्रिकॉशन क्या है, बेसिक सुझाव आपका क्या मानना है? प्रिकॉशन तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको कोई काम नहीं हो तो बाहर घूमने ना फिरे ना, बच्चों को लेके ना जाए कहीं पार्क के अंदर, ना कहीं मॉल वगैरह में जाए, घर में ही रहे अगर कोई काम नहीं। अगर आपकी मजबूरी, आपको जॉब के लिए जाना है तो मेरे आपसे ये सुझाव है, आप मास्क खरीदें, आप ऑनलाइन मास्क खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड हैं, उसमें से रिव्यूज पढ़िए पहले और जो सबसे जिसके सबसे अच्छे रिव्यूज है उसको खरीद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बिल्कुल इनका भी हमारा ही और सेम ही सुझाव है कि आप जरूर मास्क पहने और अपने लेवल पर थोड़ा सेफ्टी रखें और जरूरी काम है तभी बाहर निकलिए। मैं अगला चीज आप बताइए कि सर दिल्ली का पॉल्यूशन खराब हो गया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी न्यूज हम लोग सुन रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बोलिए सर, लोगों का सुझाव। बहुत हालत खराब है पॉल्यूशन सर, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, आपको क्या सुझाव? आप ये सरकारी करेगी, हम तुम क्या कर सकते? बिल्कुल सर ने ये कहा कि देखिए हमारी जो तो बेसिक चीजें हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन सरकार की बाकी चीजें सोचनी है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने भी यही कहा, कहीं नहीं है, एक वर्ष तो ना रह जो कहीं सरेंडर तो पे बूंद पड़ गई, इसके सर नहीं जा लिया, वो तो जिम्मी था, बस वो भी रुका पड़ गया एकदम तक, वो आएगा परसों तक आएगा। बिल्कुल ये यही कह रही है कि पहले का मौसम खराब था लेकिन अब बिल्कुल तो सही है, बिल्कुल अब सही है, लेकिन जब भी आप घर से निकले तो जरूर मास्क पहन के निकलिए, ऐसा आंटी जी का कहना है और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करेंगे। सब ठीक है। और मैं कैसा फील कर रही हूँ, पहले 2-3 दिनों से हम देख रहे थे कि दिल्ली में काफी कोहरा था, आप थोड़ा साफ है, आज का मौसम साफ है, आप मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अब देखिए पहले से लेवल जो है पोल्यूशन का वो थोड़ा कम हो गया है,
तो ये जो बैठी हुई है बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही है, लेकिन फिर भी हम ये सुझाव देंगे कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने लेवल पर सेफ्टी रखें, बाइक पर चले ठीक है, तो मास्क वगैरह पहन के चले। आइए मैं एक ये बताइए सर कि दिल्ली में आप बैठे हुए पार्क में पॉल्यूशन लेवल पहले बहुत खराब हो गया था, आज क्या करना चाहेंगे? अब तो बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत बढ़िया है। अच्छा सर ये बताइए, आप तो बहुत एक्सपीरियंस लगते हैं, सर ये बताइए कि जो पहले दो तीन दिन का मौसम था आज उसमें कुछ रिलैक्स फील कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश के हिसाब भी हुआ है, थोड़ा वगैरह जो चलाई थी उससे भी बहुत फायदा पड़ा है। ओके ओके बहुत अच्छा है। तो यानी आप मतलब बाहर लोगों मतलब ये सुनने में ये आ रहा है कि कुछ मास्क वगैरह भी पहनना चाहिए लोगों? नहीं नहीं वैसे पहनना तो चाहिए मगर अब तो नहीं है, मैं भी तो खुद लेकर चला हुआ हूं अपने पास। सर आपके पास मास्क है? सर एक बार पहन के दिखाइए कैमरे के सामने, एक बार पहन के दिखाइए, ऑडियंस को भी यही चीज करनी चाहिए, सर ने तो बिल्कुल व्यवस्था करके चला हुआ है। सर एक पहन के दिखाइए, अंकल का भी लेना। सर देखिए जैसे कि हमारे सर हैं बहुत ही आपको एक्सपीरियंस भी लग रहे होंगे और इनका सुझाव यही है कि जिस तरह से इन्होंने मास्क पहना हुआ है वैसे ही आप भी घर से मास्क पहन कर निकलिए, लेकिन पहले से पॉल्यूशन लेवल बहुत ही कम हो गया है दिल्ली में और मैं आशा करता हूँ कि आप भी पार्क में बैठ कर इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। सर आप यही कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सच है। आप सर दिल्ली जल बोर्ड में हैं? जी जी। सर आप ये बताइए कि आप जो दिल्ली का भी पॉल्यूशन लेवल है अभी आप इस पार्क में बैठे हुए कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं? आई एम फीलिंग रिलैक्स, जस्ट लिसन कि इन्होंने रिलैक्स फील किया। सर दो दिन तीन दिन पहले के बाद बताइए कि क्या था, पहले क्या सांस लेने में कोई दिक्कत? वेरी कुछ बेहतर, नाउ इट इज नॉर्मल। Now it is normal. Okay, okay. We are enjoying in this. So you have the any like that advice to the our audience? Ki which type the safety something else? You have the wearing the mask something else? You must take precautions. Sir, what? This time, बिल्कुल free of mind आप हैं बिल्कुल। अच्छा सर, अपने level पर आप exercise कर रहे हैं, मुझे आपकी body भी देखकर बहुत अच्छी लगी। आप इस सर बताइए कि क्या मतलब basic level पर क्या लोग अपना safety रखते हैं? बस ये कि मुझे अगर घर से बाहर निकले तो mask पहन के निकले, अपने सराउंडिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, हरी सब्जियाँ खाएं ताकि पोल्यूशन का इफेक्ट ना हो, बॉडी पर कम से कम हो, और बस यही कहना चाहिए। सर अच्छी कुछ मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि घर में कुछ प्लांट लगाना चाहिए, अगर हमारे जहाँ दरवाजा है उस पर छोटे छोटे मनी प्लांट लगाना चाहिए, क्या इससे कहीं फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, अपने सराउंडिंग्स में घर में पौधों जो बोटल्स जो गमले आते हैं उनमें आप पौधे लगाइए, आस पास जगह नहीं है तो घर में लगा सकते हैं, दरवाजे के पास लगा सकते हैं, काफ़ी बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच, जो आपने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपने टाइम दिया ठीक है, और आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, सभी लोगों का एक ही व्यूज है कि आप अपने लेवल पे एक सेफ्टी रखिए, मास्क पहन कर निकलिए, जरूरी काम है तभी बाहर निकलिए, लेकिन पहले से मौसम का हाल दिल्ली का बहुत ही बेटर हो रहा है और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर कोई सुझाव हो तो अपना सुझाव आप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है थैंक यू सो मच।